आप सभी का स्वागत है। तो आज का फोटो है ये, तो चलते हैं इसको आज लाइटरूम में लेके। आप सब इस वीडियो में देखे ही होंगे, थंबनेल को देख के आए होंगे, तो आप लोग को पता ही होगा कि आज किस तरह का फ़ोटो एडिटिंग होने वाला है। तो बहुत ही तबाही फ़ोटो एडिटिंग होने वाला है भाई लोग, तो आप फुल्ली वॉच करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग वॉच करिए, मज़ा आएगा, देखिए। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो चलते हैं इस फ़ोटो को बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी करेगा, जैसा थंबनेल में था उसी तरीके से फ़ोटो एडिटिंग होगा। तो इस फ़ोटो को थोड़ा सा कलर टोन चढ़ा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो आप लोग जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आप लोग भी करिएगा, एक भी स्टेप मिस नहीं करिएगा भाई लोग। फिर आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि आपके जैसे नहीं हो पाया, इसलिए एक भी स्टेप मिस मत करिएगा, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही करिएगा और फुल वॉच करिएगा वीडियो, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो अभी थोड़ा सा फ़ोटो अच्छे तरीके से होने लगा है, तो थोड़ा और इसमें टोन चढ़ाते हैं, देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा टोन चढ़ा, पहले से बहुत ही अच्छा चढ़ा, तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। तो भाई लोग ये हमारा फ़ोटो एडिटिंग हो चुका है, देख सकते हैं पहले आफ्टर और बिफोर में कितना अंतर है। आप लोग भी इसी तरह से करिएगा और अपना फ़ोटो को बहुत अच्छी तरीके से एडिट करिए, तो स्किप मत करिएगा। तो चलिए इसको अब हम लोग सेव कर लेते हैं और तो इसको लेके चलते हैं रोडेक्स में, इसको लेके चलते हैं। तो इसमें अब हम लोग एक ब्रश बताऊंगा, उसी से आप लोग एडिट करिएगा, बहुत ही अच्छा स्मूथ होगा, बहुत ही अच्छा, मतलब तबाही भाई तबाही। अच्छे से देख लीजिए, यही ब्रश है, आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे कॉर्नर मिलेगा ये सेकंड का सेकंड, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग ऐसे ही, और देख सकते हैं बहुत ही, इसको रख लेते हैं 9, इसको रख लेते हैं 26, और अपने हिसाब से साइज इंक्रीज कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया से स्मूथ मरा रहा, तो आप लोग भी इसी तरीके से स्मूथ कर लीजिएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसको हम जल्दी जल्दी स्मूथ कर लेते हैं, आप लोग आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, जितने आराम से करिएगा उतना ही बढ़िया आप लोगों का फ़ोटो एडिटिंग होगा। तो भाई लोग धीरे धीरे करिएगा, बहुत ही अच्छे स्मूथ मराएगा उस ब्रश से, और दूसरा ब्रश सेलेक्ट मत करिएगा भाई लोग, देख सकते हैं कितना अच्छा तरीके से स्मूथ हो रहा है। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, देखिए वीडियो और भी इंटरेस्टेड होगा आगे, तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, एकदम सेम टू यू, एकदम थंबनेल जैसा था वैसा ही एडिट होगा। तो आप लोग वीडियो में फुल वॉच करिए, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग को फिर दिक्कत होगा। तो अच्छे से देखिए वीडियो, फुल्ली वॉच करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए जल्दी से जाकर, और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, देख कितना बढ़िया से स्मूथ हो रहा, देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा तरीके से स्मूथ हो रहा। ये जो मेरा मॉडल है राहुल जैकर, इसको आप इंस्टा पे भी सर्च मार सकते हैं, तेज राहुल इसका नाम है, इसका प्रोफाइल भी है, प्रोफाइल पिक ये लगा लेगा।
एक बार और अच्छे से इसको मिला लेते हैं। तो चलिए ब्रश सिलेक्ट कर लेते हैं और एक बार फिर से मिला लेते हैं। तो ये फोटो है हमारा और इसको बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे स्मूथ करेंगे तो ये फ़ोटो थोड़ा सा और भी बेहतरीन हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैं कितने आराम से धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप लोग भी इतने आराम से करिएगा, बहुत ही अच्छा तरीके से फ़ोटो एडिटिंग होगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा भाई लोग। तो चलिए इसको आप शेयर कर लेते हैं, तो हमारा हो गया। चलिए इसको अब पीस आर्ट में अब लेके चलेंगे हम लोग। कहाँ गया पीस आर्ट? तो इस फोटो को हम लोग पीस आर्ट में लेते आए हैं। तो देख सकते हैं ये फोटो है हमारा, आ गया पीस आर्ट में। इसको रिसाइज कर लेते हैं। तो आप लोग भी ये देखिए नीचे नंबर है, यही नंबर आप लोग भी डालिएगा, आप लोग गलत नंबर नहीं डालिएगा। ओ भाई बार बार गलती हो रहा है, तो आप लोग सही से अच्छे से देख के नंबर डालिएगा। ये तो मिस्टेक हो गया भाई, चलिए अभी सही हो जाएगा। तो ये है आपका HD फ़ोटो हो जाएगा, इस तरीके से फटेगा नहीं फ़ोटो आप लोगों का। तो ये हम PNG पहले से ही काटे हुए थे, तो ये PNG हमने सिलेक्ट कर लिया। तो चलिए तो बैकग्राउंड आप लोग कोई सा बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए, तो इसको अपने हिसाब से बिठा लेते हैं। चलिए देख सकते हैं अच्छे से बैठा लीजिएगा आप लोग भी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए आप लोग और फिर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा वीडियो। तो देखिए भाई लोग ऐसे ही आप लोग भी आराम से बिठाइएगा मॉडल को, और उसके बाद देख लीजिए भाई लोग अच्छे से इसको एडजस्ट करेंगे। तो ब्राइटनेस कम कर लेते हैं इसका, हाइलाइट्स भी थोड़ा कम कर लेते हैं, शैडो भी थोड़ा कम कर लिए। देख सकते हैं कितना ही बढ़िया लग रहा है ये फोटो, कहते हैं चेहर भाई। तो आप लोग भी इसी तरीके से फोटो एडिटिंग करिएगा। थैंक यू गाइस फुल वॉच करने के लिए, तो आप लोग इसी तरीके से फोटो एडिटिंग करिएगा। तो आप लोग भी आप लोग को आप लोग को अगर PNG नहीं मिलता तो मैंने के पीछे एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो से देखकर आप लोग को ऐसा PNG बहुत ही अच्छा अच्छा PNG है, वहाँ से आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई लोग वहाँ से आप लोग आराम से अच्छे अच्छे PNG डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आप लोग PNG आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक भी मैं दे दूँगा, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आराम से। तो चलिए इस फोटो को जल्दी जल्दी से हम लोग एडिट कर लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग आराम से धीरे धीरे करिएगा, बहुत ही अच्छा होगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा नहीं तो फ़ोटो ख़राब भी हो सकता है। तो आप लोग आराम से अच्छे से करिएगा। तो देख सकते हैं आप थोड़ा सा और है, फ़ोटो हो चुका है एडिट। तो आप लोग यहाँ से सेव कर सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ से सेव नहीं करेगा तो ऊपर वाला कॉर्नर में बटन दिया होगा, इससे जाके सेव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।